मासूम तलबा की जो गिरफ्तारी हो रही है कांग्रेस पार्टी की जानिब से, मैं सख्त इत्तेजाज करता हूँ इसका। इसलिए तेलंगाना बनने से पहले सारे लोग, ये गवर्नमेंट को, KCR, ये तमाम चीज़ों को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, ये वुमेन के अंदर सबसे ज़्यादा नौजवान अपनी शहादत दिए हैं, और इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बच्चे तमाम का सबसे ज़्यादा जोर रहा है तेलंगाना के अंदर। और मैडम सोनिया गांधी भी इसी बात के ऊपर गोल्डन तेलंगाना देने की बात हुई कि मासूम नौजवानों ने कुर्बानी दी है अपना स्टेट लेने के लिए, और लिहाजा उसको उसी बुनियाद के ऊपर और तेलंगाना दिया गया। मगर जब तेलंगाना बन जाने के बाद आज 3 साल हो गया हुकूमत के, कुछ महीने चले गए तो 3 साल हो गए, जो प्रामिसेस थे गोल्डन तेलंगाना के वो प्रामिस कर दिए जा रहे हैं और नाइंसाफी करते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को जॉब देने की बात हुई थी और स्कॉलरशिप वगैरह का और तलबात के साथ सारे चीज़ों की जो प्रामिसेस थे कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं करेंगे। आज 3 साल तक नौजवान जो है आज गोल्डन तेलंगाना बन तेलंगाना कायम होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लग रही है, और जो एजुकेशन चलाए जो लोग भी उस ज़माने में अपनी कुर्बानियाँ दी, अपना पैसा दिया, अपना वक्त दिया, तमाम चीज़ दिया, आज इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उनकी गिरफ्तारी उनके ऊपर, मैं अपने तरफ से सख्त मदम्मत करता हूँ कि जल्द से जल्द ये आज़ादी फ्रीडम एहतजाज करना ये फंडामेंटल राइट है, एहतजाज ऐसा होना चाहिए। स्टूडेंट भी अपनी जान और माल को खतरे में मत डालिए कि हुकूमत तक जनाबी हमारी आवाज़ पहुंचना चाहिए, जमहूरी हकूक के साथ मतलब ना जमहूरी तहत जनाबी हमें एहतजाज करना चाहिए। बहुत सारे गांधी जी और बहुत सारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये लोग सब लोग हमारे लिए कि देश से अंग्रेजी सरकार को हुकाड़ करके तशद्दुद करके नहीं कि अहिंसा का तरीक़ा अख्तियार करके, जो हमारे महात्मा गांधी जी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो सिखाया है उसी तरीके से एहतजाज करना चाहिए, और मासूम बच्चों को जल्द से जल्द उनकी एहतजाज जो गिरफ्तारी करें उनको छोड़ना चाहिए।